व्हाट्सअप गाइस, दिस वाचिंग एमकेवी टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि अगर हम अपने जीबी व्हाट्सअप में किसी का पर्सनल कॉन्टैक्ट चैट हाइड कर देते हैं और हम उसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखते हैं और हमने रिकवरी क्वेश्चन भी नहीं डाला है, तो किस प्रकार से हम फिर से अपने हाइड चैट को ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट चैट पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा हुआ है और आपका फिंगरप्रिंट लॉक काम नहीं कर रहा है, तो बिना रिकवरी क्वेश्चन के कैसे उसको हटा सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो के साथ में। लेकिन फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से अगर आपने किसी चैट को हाइड करके रखा हुआ है और उसका फिंगरप्रिंट लॉक लगाए हुए हैं और ओपन नहीं हो रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, तो किस प्रकार से उसको अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स अपने यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप है ये ओपन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक चैट हाइड करके भी रखा हुआ और मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा के रखा हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चैट को हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता था कि सर मान लीजिए मैं अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा हूँ और यहाँ पर रिकवरी जो क्वेश्चन होता है मैं इसको नहीं डाला हूँ और तब फिर कैसे मैं इसको अनहाइड कर पाऊँगा, इस चीज़ के बारे में हमें आप बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिकवरी क्वेश्चन के बारे में भी लोग काफ़ी सारा कमेंट कर रहे थे कि हम मान लीजिए कि इसको नहीं डाले हुए हैं फिर किस कैसे है हम अपने फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको हम थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि अगर आपको व्हाट्सएप रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर आप किसी व्हाट्सएप का लिंक चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वहाँ पर फॉलो कीजिए और आपको वहाँ पर हम आपको लिंक भी देंगे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, आपको एडवाइस भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर हम अपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखे हुए हैं और यहाँ पर हम जब भी टच करते हैं कुछ इस प्रकार से तो ये ओपन नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी जब आपका फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा आपको यहाँ पर ट्रिक लगाना है। तो आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप चैट से ओपन हो आ जाना है, एग्जिट हो जाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप अपने यहाँ पर स्मार्ट सेटिंग में जाएंगे, स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे जब भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है पासवर्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड बायोमेट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपने अपने जब भी आपका कोई भी स्मार्टफोन हो, मान लीजिए सैमसंग हो, रियलमी हो या फिर कोई अदर फ़ोन हो आपका, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने जो भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा होगा आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस। तो यहाँ पर हम जो फिंगरप्रिंट लगा के रखते हैं आपको उस पर क्लिक करना है, आपको भी वहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड वो डाल लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर बोला जाएगा कैंसिल और डिलीट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये आपका फिंगरप्रिंट लॉक डिलीट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप पर लेकर के चलता हूँ और लेकर जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डाल देना होगा, यहाँ पर मैं लगा के रखा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर अब आपसे फिर से कोई पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल दीजिएगा, मान लीजिए पिन डालना चाहे या पैटर्न लगाना चाहे आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। और डालने के बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पर व्हाट्सअप पर राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपने अभी जो पैटर्न लॉक लगाया है आपको फिर से वही डाल देना है और डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो चैट होगा यहाँ पर शो करेगा और उसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा, यानी प्रेस करके उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अनहाइड चैट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर से आपको अपना वही पासवर्ड डाल देना है और डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका चैट होगा वो अनहाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू और धन्यवाद, जय हिंद।